बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्ते सर। नमस्ते। यस, तशरीफ रखिए। सेठ जी, हम आपसे ये मालूम करने आए थे, आपका चोरी का सारा माल मिल गया था? कोई चीज रह तो नहीं गई थी? एक अंगूठी अभी तक नहीं मिली। सेठ जी, अगर वो अंगूठी आपको दिखाई जाए तो आप उसे पहचान लेंगे ना? क्यों नहीं, वो तो हमारी खानदानी अंगूठी है। वेरी गुड। एक अर्ज और है, जब तक आपको वो अंगूठी मिल ना जाए आप इसका जिक्र किसी से न कीजिए, इसमें एक राज है। आई सी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सेठ जी। अब आपको हम एक तकलीफ और देंगे कि आपको हमारे साथ रूप कला थिएटर में चलना पड़ेगा। ए जेंटलमैन, इधर जा रहे हैं आप? हीरोइन जी के दर्शन करने। जी, हीरोइन जी के दर्शन करने? मैनेजर मैं, हाल हमारा लग रहा है, दर्शन आप करेंगे। स्टेज पर देखा नहीं उधर क्या वो बुर्का पहन के नाच रही थी? चलिए चलिए प्लीज। ओ मैनेजर जी, बात दरअसल ये है, स्टेज पे देखा है ना, तो इसीलिए ये फूल भेंट करने जा रहे हैं। फूल मुझे दे दीजिए, खुद भेंट हो जाइए। सुनो जी, आप समझदार आदमी लगते हैं, आपसे क्या छुपाना। ये जो हमारे सेठ जी हैं ना, ये करोड़पति हैं, इनको थिएटर का बड़ा शौक है, ये नया थिएटर शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए हीरोइन से बात करनी है और फिर इनको एक मैनेजर की भी जरूरत है। मैनेजर की? हाँ। क्या तनख्वाह देंगे? 2000। 2000 महीने के? आहो, और अगर कोई आपकी तरह मैनेजर मिले तो उसको 2500 भी देंगे। बस बस। क्यों होया? फिर बोलिए। 2500। आपका नाम क्या है? अकड़ सिंह। अकड़ सिंह, आपने तो मुझे अकड़ ही लिया। बस बस बस, गलती हो गई। नहीं जी, दाढ़ी को हाथ नहीं लगा दे। देखिए सेठ जी, इधर इधर, आपका मैनेजर का काम तो हो ही गया, और रही हिरन की बात, आप जरा इधर आइए। सरदार जी, आजकल लोगों को नए नए चेहरे बहुत पसंद है, ये हिरन, इसको तो लाखों लोगों ने देखा हुआ है और ऐसे भी बहुत ज्यादा लेती है। मैं आपको एक ऐसा पटाखा पिलाता हूं जो स्टेज पर आएगी तो लोग फड़की खा जाएंगे। पैसे कम लेगी और आर्ट ज्यादा है। ठीक है ना? देखा सेठ जी, मैनेजर हो तो ऐसा, अभी काम शुरू नहीं हुआ है और नानू कंपनी का कितना ख्याल है। थैंक यू वेरी मच सरदार जी, आप इधर ही रहिए, मैं उसको लेके अभी आता हूँ। इधर ही। दादी एक बात कहूँ? कहो जी। आप बहुत हैंडसम लगते हैं। बहुत, 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 बहुत। अभी आया मैं। बहुत जी। आइए सेठ। कम इन। नमस्ते माला जी, माफ कीजिएगा, आपको बड़ी तकलीफ दी। बात दरअसल ये थी कि सेठ जी आपके दर्शन करना चाहते थे और ये आपको भेंट करना चाहते थे। क्या आप कलाकार हैं जी आप? वाह वाह वाह, क्यों सेठ जी, और क्या डांस में आपने दर्द भरा है। वाह वाह, असी तो कभी नहीं देखा जी इस तरह से। ये लीजिए जी। थैंक यू। सेठ जी देखिए कितनी चंगी अंगूठी है, बड़े लोगों की बड़ी मांगें। वाह वाह, वाकई बड़ी खूबसूरत अंगूठी है, बहुत कीमती होगी। अच्छा माला जी, साढ़ा तो काम हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। आप ठीक कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब, अंगूठी हमारी है, आपको यकीन है ना? बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब। सरदार जी, सरदार जी, ये रही आपकी नई हीरोइन। देखिए इसका बदन, 36, 24, 36, इसकी आंखें देखिए, दिखा ना, और इसकी कमरिया भी देखिए। जब ये स्टेज पर हमकेगी ना तो फुहार आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ना। हजूर, आओ ना आप।
आपको अंदर आने की किसने इजाजत दी? ये धोती धारी और ये भी हिरन से इश्क लगाने आया है, हट चुका। ओए ओए नहीं मैनेजर जी, ये तो साड़ा अपना मुंडाएगा है। अपना? हाँ, कंपनी का। कंपनी का हाँ। एप्पल लगता है जी। हाँ, चलो थोड़ा बड़ा वक्त आया था। एनीवे देखिए, अब आप कुछ हम दोनों को एडवांस देकर बात बिल्कुल पक्की कर लीजिए। बात तो पक्की है मेरे स्वामी। तुम? हाँ मेरे देवता। हाँ, तुम कौन हो नहीं देवता कहने वाली? घरेलू मामलात में दखल मत दो। मैंने दीपक को भी यहां से भागते देखा है। यहां से? जी हाँ। कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुनी? उसके भागने से ऐसे लगता है। इसका मतलब यह है कि अब वो मिस माला से अंगूठी लेने की कोशिश करेगा। मिस माला पर कड़ी नजर रखो और उसके घर पर पहरा लगा दो। कहाँ गए? कहाँ ढूंढूं? घर में थे ना थिएटर में? कहाँ छुपे रहते हैं आप? कहीं नहीं, बस। आप खत भी नहीं लेने आए? खत नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो आइए मेरे साथ। ये तुम्हारा घर है? तो और किसका है? तुम्हारे पिता का नाम? सेठ हरनामदास। सेठ? सुनो सुनो रजनी, बात यह है कि आज मैं पहली दफा तुम्हारे डैडी से मिल रहा हूं। और ये हुलिया वो क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। नहीं रजनी, तुम ऐसा करो, वो जो मेरे खत है ना, वो तुम यहीं ले आओ।
कल मैं अच्छी तरह तैयार होकर तुम्हारे डैडी से मिलने आता हूँ। ये क्या, यहाँ तक आकर अंदर नहीं चलोगे? देखो रजनी, समझने की कोशिश करो। जिसके डैडी अपनी प्यारी बेटी का हाथ जिसके हाथ में देने वाले हों, वो कम से कम शरीफ आदमी तो लगे, चोर तो ना लगे। तुम भी अजीब हो। तुम कितनी समझदार हो। अच्छा देखो, मैं उस पेड़ के पास खड़ा हूं, तुम आ जाना। अंकल हरनाम दास, तुमने मुझसे कहा था गेट आउट। आज तुम्हारी आंखों के सामने रजनी की शादी मुझसे होगी और तुम सारी जायदाद मेरे नाम करोगे, वरना ना तुम रहोगे और ना रजनी। डाल दो इसे। हम रजनी को लेके आते हैं। दीपक, तुम यहां भी? छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो, छोड़ लो। दीपक बेटे, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लोग कहते हैं माँ बाप हमेशा अपने औलाद की भलाई चाहते हैं, मेरी बेवकूफी देखो, तुम जैसे हीरे को छोड़कर मैं रणजीत जैसे घटिया आदमी को अपना बनाना चाहता था। तुम आज न होते तो जाने क्या कुछ हो जाता। चलो अंदर चलो, मैं आज ही तुम्हारी रजनी की शादी तय करता हूं। चलो। हाँ, माफ कीजिएगा सेठ जी, मैं इस लायक नहीं हूं। क्या? जो बात मैं रजनी से नहीं कह सका वो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं रजनी से शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? आप अंदर चलिए सेठ जी, मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूं। नहीं नहीं बेटे, तुम्हें अभी बताना होगा। क्या रजनी कुछ कह दिया या मुझे कुछ कसूर हुआ? नहीं सेठ जी, आप बहुत अच्छे हैं। ये तो किस्मत का खेल है। आपको शायद मालूम नहीं, एक दिन मैं आपके घर से चोरी छिपे कुछ ले गया था जिसने मेरी सारी जिंदगी बदल दी, और आज आप अपने हाथों से मुझे उससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं और मैं उसे ले नहीं सकता। ये क्या पहेली है, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें मेरी कसम। तो सुनिए, मैं रजनी से प्यार नहीं करता,
मैं माला को चाहता हूं। माला? कौन माला? स्टेज की डांसर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रजनी कहां है? आप अंदर चलिए सर जी, मैं रजनी को लेकर अभी आता हूं।